दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, सरहद पर सेना के जवान 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। शहीद जवानों के परिवारों के लिए सरकार अलग अलग तरीके से आर्थिक सहायता सुनिश्चित करती है। सियाचिन बॉर्डर पर अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के बलिदान के बाद केंद्र सरकार ने अग्निवीर के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया है, जिसमें कई आर्थिक सहायता शामिल है। सरकार की अग्निपथ स्कीम शुरुआत से चर्चाओं में रही है। अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के बलिदान के बाद विपक्ष ने फिर से इसका मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर गवाते की मृत्यु पर दुख जताया और अग्निपथ योजना को भारत के वीरों के अपमान की योजना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें ना तो सेवा के समय ग्रेच्युटी है, ना अन्य सुविधाएं और ना ही परिवार के लिए पेंशन है। हालांकि सरकार ने अग्निवीर के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। आइए जानते हैं अग्निवीर और सेना के परमानेंट सैनिकों की शहादत पर परिवार को मिलने वाले मुआवजे में क्या अंतर है। अग्निवीर की मृत्यु होने पर परिवार को फाइनेंशियल हेल्प कैसे मिलती है। सबसे पहले परिजनों को अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निवीर के परिवार को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी मिलेगी। अग्निवीर के परिजनों को अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि यानी 30% से 1 राशि भी मिलेगी, जिसमें सरकार द्वारा समान योगदान और उस पर ब्याज भी शामिल होगा। साथ ही अग्निवीर की मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक परिजनों को शेष कार्यकाल का पैसा भी भेजा जाएगा। ये राशि 13 लाख से अधिक होगी। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से अग्निवीर के परिजनों को 8 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी AWWA की ओर से तत्काल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर ये धनराशि 1,13,00,000 से अधिक है। सेना का जवान शहीद होने पर परिवार को फाइनेंशियल हेल्प कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। सेना का परमानेंट सैनिक के शहीद होने पर परिवार को ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25 से 45 लाख रुपए मिलते हैं। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, सैनिक कल्याण बोर्ड समेत कई संगठन परिवार की वित्तीय मदद करते हैं। शहीद जवानों की पत्नियों को हर महीने पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपए और शहीद को राज्य सरकार की तरफ से भी वित्त मदद मिलती है। राज्यों की ओर से मदद के तौर पर दी जाने वाली धनराशि अलग अलग है। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए मिलते हैं। शहीदों के परिवार के बच्चों को पढ़ाई और इलाज के खर्च में छूट मिलती है। शहीद सैनिकों के बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस मिलती है, साथ में स्कूल बस का खर्च और रेलवे पास भी मिलता है। बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हॉस्टल फीस दी जाती है। हर साल कॉपी किताब के लिए 2,000 रुपए, यूनिफॉर्म के लिए 2,000 रुपए तक और कपड़ों के लिए 700 रुपए दिए जाते हैं। ECHC में फ्री इलाज भी मिलता है। साथ ही शहीदों की पत्नियों या आश्रितों के लिए पुनर्वास महानिदेशालय यानी DGR द्वारा पेट्रोल पंप का आवंटन जैसे कई पुनर्वास योजनाएं भी चलाई जाती हैं। शहीद के परिवारों को LPG गैस एजेंसी लेने में भी छूट मिलती है।